यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए एच तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19 एक ए के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह थी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं, दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। हमारे साथ पारस मोका आए, इनसे बात करते हैं। भाई पारस मोका, बड़े दिनों बाद आयो, बताओ कैसे हो? बस जी बढ़िया, आप बताइए। मैं पूछना चाह रहा था सर, जिन थोड़ा सा पारस मोका आपकी तरफ से नॉइज बहुत आ रहा है पारस मोका, कैसी किसी ऐसी जगह पहुंच जाओ जो थोड़ा शांत और मतलब डिस्टॉर्शन थोड़ा कम। हाँ बोलो यार, आप पता नहीं कहाँ रोड पे घूम रहे हो यार, मतलब जिसका आपने फोटो लगाया था अंकुर आर्य का और नीरज अत्री जी का, तो आपको लगता है कि आप उनसे डिबेट कर पाओगे? ऐसे लगा दिया। अच्छा आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता डिबेट है कर... अच्छा तो ले बुला के लाओ ना सर, फिर बुला के लाओ ना, बुला के लाओ ना सर, मैं खुद आता हूँ तो दूसरा का म्यूट होने के लिए आएगा आपके पास। अरे भैया वो जब आएंगे तब हम उससे डिबेट कर लेंगे, अभी आप आए हैं तो आपके क्या विचार हैं आप वो रखिए। और दूसरी तो बात पारस मोगा जी, पारस मोगा जी एक बात और सुन लो कि अगर कोई भी इंसान यहाँ पर, अगर आप स्ट्रीम्स देखते हैं तो अगर कोई भी इंसान इंटेलेक्चुअली डिबेट करने आता है और वो इंटेलेक्चुअल बात करता है, रेफरेंस पे बात करता है, टू द पॉइंट बात करता है, किसी बात को अगर उसने कमिट कर दिया तो उस बात पे वो मुखर रहता है, वहां से इधर उधर जंप नहीं करता है, उसको यहाँ अभी तक म्यूट नहीं किया गया। उसको म्यूट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो तो सुनेगा ना। म्यूट करने की जरूरत तब पड़ती है जब कोई सुनता नहीं है और वो यहां से वहां जंप करता है, और जब क्रॉस टॉक होने लगे ना तब म्यूट की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप भी किसी रेफरेंस पे मुखर होकर बात करते हो, मुखर होकर अपना रेफरेंस लेकर आते हो और यहां पर दिखाते हो और सिद्ध करते हो, आपको भी म्यूट नहीं किया जाएगा, लेकिन आप यहां से वहां जंप करोगे तो उस केस में तो फिर म्यूट करना ही पड़ता है। तो आप अगर आपको लगता है कि आप नीरज अत्री की तरफ से आए हैं या अंकुर आर्या की तरफ से आए हैं तो आप डिबेट करें या उनको लेकर आए तो उनको आए, बिल्कुल भी म्यूट नहीं किया जाएगा। अगर आप हिम्मत है तो उन्हें ला लेकर आओ, और ये हमारे तरफ से प्रॉमिस है। मैं खुद भी यहाँ पर, आप चाहें तो मैं खुद भी अपना एक्सेस किसी ऐसे न्यूट्रल इंसान को दे दूंगा जो बीच में मॉडरेट करेगा, सबके पास टाइम रहेगा तो अपने। मेरे भी आपसे प्रॉमिस है, आप आ जाओ सनातन समीक्षा पे, नहीं म्यूट किया जाएगा। जारविस जी तो गए थे, उनको पता चल गया था, आप आ जाओ। यहाँ पर किसी दूसरे चैनल का नाम, दूसरे चैनल का नाम पारस मोगा जी, दूसरे चैनल का नाम मत ले। और मैं आपको बता दे की जारविस जी वहाँ गए थे तो उन्होंने ना शिवजी का कुदा मैथुन दिखा दिया था आड़ी के बारे में। सुनिए शिवजी का कुदा मैथुन दिखा दिया था आड़ी से, आवाज भी निकली थी उसकी, ठीक है। और उसने आप परसों की स्ट्रीम में कह दिया कि ये जो लिखा गया है ना वो सही लिखा गया है। तो आपके जो समर्थक चैनल है उन्होंने हमारी बात को मान लिया है कि हम जो कहते हैं ना सही कहते हैं, ठीक है। तो आप तो उनकी बात करिए मत, और दूसरे चैनल का आप नाम मत लीजिए, ठीक है। तो आपकी तो बात यहीं से खारिज हो जाती है। अच्छा जी, चलो जो जातिवाद कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू यू मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मनुस्मृति तो भाई खराब थी, जातिवाद दिखा रही थी, जातिवाद जो क्या नाम से। अरे सुनिए, मनुस्मृति को आप मानती हैं या नहीं मानती, आप पहले ये बताएं। हम तो मानते हैं, मैं बता रहा हूँ ना अकॉर्डिंग टू यू। चलो ठीक है, अरे ठीक है, फिर हम उसी पे बात करते ना। आप मानते हो तो फिर बात कर लेना, बात तो बोलने दो फिर।
जब वो खराबी थी, लेकिन अब तो देश आजाद हो गया, अब तो कोई मतलब नहीं निकलता और संविधान चल रहा है। फिर संविधान में कहीं को ये जात पात चल रही है खामा खागी, जात नाम का शब्द ही मिट जाना चाहिए था ना। अच्छा ये जात और अच्छा सुनिए ना वैदिक योग जी सुनिए ना आपका रुकिए यही रुकिए आपको इसलिए रोकने के लिए आपका यही बात हो गया ना आपका कि बार जवाब दे दिया बस एक लाइन और बोल देता हूं बोल लेने दो ये प्लीज ये बेहुदा तर्क मत देना कि आर्थिक स्थिति के आधार पर जात पात में बांटा गया। अच्छा ये बेहुदा होते हैं ये बोलेंगे ही नहीं। मनुस्मृति देखने की बात कर रहा हूँ मैं, आजाद भारत की बात कर रहा हूँ। भारत अब आजाद है ना? नहीं भारत आजाद नहीं, भारत आजाद भारत के पहले क्या था वो भी तो देखना पड़ेगा ना, तब जाके आप आज की कंडीशंस क्या हैं और क्या हालात हैं वो हमारे पास्ट से तो भी फर्क पड़ता है ना, हमारा पास्ट क्या रहा वो भी देखना जरूरी ना। वो अगर आप तो फिर चलो ठीक है मान लिया सम्राट अशोक के समय कौन सा संविधान चलता था भाई। अरे रुक जाओ सम्राट अशोक के बारे में आपको तो कुछ पता ही नहीं भाई। आप ये देखो मुझे उसके बारे में देखो, अरे ये देखो भैया आप मनुस्मृति मानते हैं ना। अरे भैया मैं कह रहा हूँ ना आजाद हो गया भारत, कहीं को फिर बार बार आजाद हो गया वो बात अलग है, लेकिन आप मनुस्मृति मानते हैं तो ये देख लो थोड़ा, ये देखो मनुस्मृति। अरे सुन तो लो दादा, आप मानना तो पड़ेगा ना, आप मनुस्मृति मानते हो तो सुन भी लो। ये मनुस्मृति अध्याय 9 का 317 318 और 19 श्लोक है, और ये इसमें क्या लिखा गया है, अर्थात जिस प्रकार शास्त्र विधि से स्थापित अग्नि तथा सामान अग्नि दोनों में ही श्रेष्ठ देवता है, उसी प्रकार मूर्ख और विद्वान दोनों ही ब्राह्मण श्रेष्ठ देवता है। मतलब मूर्ख भी और विद्वान भी दोनों ही श्रेष्ठ है। तो पारस मोगा जी अब बताएं कि ये मूर्ख ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों कह रही है मनुस्मृति। मैं कह रहा हूं ना जब इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा आज, क्यों नहीं निकल रहा भाई? आपको संविधान के बारे में पता ही नहीं है तो आप संविधान पे बात क्यों कर रहे हैं ना? आपको पहले मनुस्मृति के बारे में पता मुझे नहीं पता लेकिन जो मोटा मोटी देखने में आ रहा है सबको दिख रहा है वो तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब की कॉमन सेंस तो होगा आपके अंदर थोड़ा हल्का बहुत। ठीक है मैं मानता हूँ संविधान नहीं पढ़ा ना मैंने, आपको उसके बारे में पता ही नहीं ना, आप कंडीशन समझते ही नहीं कि क्या क्यों आधार क्या है उसका, उस क्यों रिजर्वेशन लाया गया, ये सारी चीजें आपको ये नहीं पता ना, और आप समझ ही नहीं सकते आपके अंदर मानव है ही नहीं वो चीज। हाँ अच्छा ये बात और करते ना, ये और बता दो चलो आप देखो फालतू बातों करने से कोई नहीं। ये देखो मनुस्मृति अध्याय 8 का 21 श्लोक है, इसमें है अर्थात जिस राजा के राज्य में शूद्र न्यायाधीश होता है उसका राज्य उसके देखते देखते कीचड़ में धसी हुई गाय की तरह मुसीबत में फंसकर दुखी होता है, राज्य में ब्राह्मणों के होने को अति आवश्यक बताने के लिए टेढ़े ढंग से मनुस्मृति का कथन है। ये मनुस्मृति का क्या कथन है 22वें श्लोक में, अर्थात जिस राजा के राज्य में ब्राह्मण ना हो वह राज्य दुर्भिक्ष और व्याधियों से पीड़ित होकर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। सही है, तो, ब्राह्मण होते ही ज्ञान है और क्या। अच्छा तो मतलब तो मतलब शूद्र न्यायाधीश हो, मतलब यहाँ पर ये लिखा था ना ये 21वां श्लोक देखो, अर्थात जिस राजा के राज्य में शूद्र न्यायाधीश क्या करता हो, मांस खाता हो, शराब बेचता हो, क्या करता हो, ससुरा क्या करता हो, यहाँ पे कंडीशन तो नहीं लिखी खाता हो, मतलब आरस मोगा यहाँ पर कंडीशन नहीं लिखी, यहाँ पर पूरे शूद्र के लिए इस्तेमाल किया गया। अब शूद्र न्यायाधीश होता है उसका राज्य देखते देखते कीचड़ में धसी गाय की तरह मुसीबत में फंसकर दुखी होता है। तो आप ये बताएं कि शूद्र कितना भी पढ़ लिख जाए अगर उनके लिए ऐसे विधान बना रखे जिससे कि न्यायाधीश वो बन ही नहीं पाए, क्योंकि अगर न्यायाधीश होंगे तो अपने लोगों को न्याय दिलाते हैं। ही दिखा दीजिए जो आपने अपनी लाइन में बोली कहाँ लिख रहा कि शूद्र कितना भी पढ़ लिख ले, बस यही लाइन दिखा दीजिए कि पढ़ा लिखा शूद्र कितना भी पढ़ ले कि वो रहता नीचे, दिखाइए मुझे ये बात। और भागेगा मत इस लाइन से खाली, बस ये लाइन दिखा दो कि अरे रामचरितमानस की फेमस लाइन है ना भैया। अरे रामचरितमानस, अरे भैया आपने आपने रामचरित नहीं पढ़ी?
पूजिए विप्र ज्ञान गुण हीना ना पूजिए शूद्र ज्ञान प्रवीणा, ये आपने नहीं पढ़ी पहुंच गए। अरे वो आपका धर्म ग्रंथ है, अरे वो आपका धर्म ग्रंथ है, आपके धर्म ग्रंथ इसी तरह अपने देना पड़ता है। तो फिर जैसा हम मानते हैं मानते तो अडिग रहो ना, अडिग रहो ना, अडिग रहो, अडिग रहो ना, पारस होगा अगर आप अपने धर्म ग्रंथों को मानते हैं तो उन पे अडिग रहो ना। आप मुझे बस बताया ना, दिखाइए कि पढ़ा लिखा शूद्र भी नीच ही रहता है, ये दिखाइए खाली और कहीं। अरे तो ये क्या है पारस होगा जी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आप थोड़ा धैर्य रखें। ये क्या है अरे सुने सुने, ये क्या है पूज्य विप्र ज्ञान गुण हीना ना पूज्य शूद्र ज्ञान प्रवीणा, ये क्या है आपका रामचरित मानस ये कह रहा है, तो ये क्या है ये बताओ। मनुस्मृति की बात कर रहे हो ना, अब मुझे नहीं पता वर वर के लिखा हुआ है भैया, क्या बात कर रहे हैं आप। मनुस्मृति सीधा लिख दिया गया है कि अगर कोई शूद्र वेद पढ़ ले तो भैया उसके कानों में शीशा डाल दो, मारने की बात की गई है। पहले शीशे भी पिघला जाएगा, दिखा दूं अभी। अरे मुझे इसका, तुम अपनी मर्जी से दिखा रहे हो यार। अरे चलिए चलिए एक चीज और दिखा देते हैं भूपेन जी, मनुस्मृति मानते हैं, एक चीज और दिखा देते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, इनको एक चीज और दिखाता हूँ न्यूटन जी, ये इस पे चलिए। ये देखिए पारस होगा, इसलिए तो आप इंटेलेक्चुअली डिबेट नहीं कर पाते ना, इसलिए तो आपसे मैं कह रहा हूँ। देखिए ये बताएं, आपकी उम्र भी नहीं इसलिए हम आपके मुंह भी ज्यादा नहीं लगना चाहते। देखिए ये देखें मनुस्मृति, हाँ ये वाला देखें मनुस्मृति अध्याय 2 का 135वां श्लोक है, इसमें लिखा है अर्थात 10 वर्ष का ब्राह्मण और 100 वर्ष का क्षत्रिय आपस में पिता पुत्र के समान है, ब्राह्मण बाप के समान और क्षत्रिय पुत्र के समान है। तो आप ये बताएं, यहाँ पर शूद्र तो छोड़िए क्षत्रियों को नीचे दिखा दिया, यानी क्षत्रिय 100 साल का और ब्राह्मण 10 साल का, कौन से कर्म के आधार पर वो क्षत्रियों का बाप हो गया 10 साल का बच्चा। अरे सर मैं कह रहा हूँ इसका कोई मतलब निकल रहा है अब, क्यों नहीं मतलब निकल रहा है, क्यों नहीं निकल रहा भाई, सदियों से आपका सो कॉल्ड, पारस मोगा इंटरप्ट ना करें, बोलने मैं आपको मौका दे रहा हूँ तो आप सुने भी, आपका सो कॉल्ड जो धर्म है ना ब्राह्मण धर्म, वो सदियों इसी आधार पे चला, यही आपका संविधान था, देश आजाद होने से पहले इसी के कानून लागू थे। तो ये बताएं फिर आपके ब्राह्मणों ने ये क्या लिख रखा था, इसमें आपको ये लगता है कि यहाँ पर समान अधिकार तो सब क्या बात करते हैं, मतलब ये हद होती है ना पारस मोगा जी के से। कोई दुखी नहीं था, कौन दुखी था जो आप शूद्रों को पढ़ने क्यों नहीं दिया गया, पढ़ने नहीं दिया गया, दुखी नहीं थे, पढ़ने नहीं दिया गया उनको, पढ़ने लिखने नहीं दिया, कौन कह रहा है शूद्रों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, सब कोई एक एग्जांपल बता दो ऐसा, मैं आप उस दिन भी पूछा था, कोई ऐसा एक एग्जांपल बता दो जिसमें आप ये सिद्ध कर दो कि कोई भी सूत्र पढ़ा लिखा हुआ था, उसने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, कुछ किताबों उसने लिखी हैं, ऐसा कुछ बता दो, एक नाम बता दो। चलो मैं आपसे एक नाम पूछूं, यहाँ पे सब पढ़ते लिखते ही थे, यहाँ पे सब पढ़ते लिखते ही थे। अरे तो नाम बताओ ना, पढ़ते लिखते थे, कोई एकाध नाम बता दो ना, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किसी सूत्र ने लिख दिया, बता दो कोई नाम भैया। ब्राह्मण ग्रंथ किसने लिख दिया, ना लिख दिया, मैं उस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भारत पहले से सुखी था। ओ भैया आप थे क्या उस वक्त, आप उस वक्त थे क्या, कहाँ से पढ़ लिए आपने, इतिहास बता, आप थे उस समय, तो एक बात बताइए कि आप, आपने दो तीन बातें कही, दो मिनट सुन लीजिए। हाँ पहले बात आपने कही कि संविधान में जातिवाद लाया है, जातिवाद संविधान या किसी में नहीं होता, जातिवाद मन में होता है, हर एक के मन में बसा है, समझे। अच्छा, दूसरी चीज शूद्र लोग, ये आपने कैसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया कि शूद्र लोग जो है वो मांस मच्छी खाते हैं इसलिए उनको अकल कम होती है और उनको ब्राह्मण लोग नहीं खाते, ये कहां से आपने, ये कहां से डेटा इकट्ठा किया है। मैंने कहा था क्या पता क्या करता हो, मैंने नहीं कहा था क्या करता हो, ब्राह्मण सबके अच्छे है क्या, क्या बात कर रहे हैं आप, ब्राह्मण हो क्या। मैंने कहा कि ब्राह्मण अच्छे हैं, नहीं मैंने बोले आप बोले कि शूद्र लोग तो मांस मच्छी खाते क्या करते पता नहीं, जो नहीं था उस पद में क्या पता क्या करता हो। अरे मैं ये कह रहा हूँ जो पता ही नहीं है उसके बारे में आप ओपिनियन क्यों रखते हैं, और कितने शूद्र लोग हैं कि जो बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते, और कितने ब्राह्मण हैं कि जो खाते हैं, आपको कुछ इंडिया का पता भी है,
हमारे हमारे यहाँ जितने भी शादी होती है, जितने भी चमार जाति के लोग हैं, उनकी हर शादी में मुर्गे बनते हैं, दारू बढ़ती है। और तो क्या फर्क पड़ता है उससे, क्या फर्क पड़ता है उससे, कोई मोरालिटी है? सब अंग्रेज लोग, जो अंग्रेज लोग है, यूरोपियन लोग है, ये लोग तो रोज सवेरे शाम खाते हैं और नोबेल प्राइज देते हैं, पूरा टेक्निकली वो एडवांस है। चले जाओ ना सर, अंग्रेजों के पास, हमारा देश छोड़ दो किसी तरह करके। डॉक्टर साहब, आप और न्यूटन जी कंटिन्यू करें, मेरा पावर कट हो गया तो मैं दोबारा से जुड़ता हूँ थोड़ी देर में। नहीं, आप मतलब आप मांसाहार को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, और क्या नाम है फिर बाबा साहब को मांसाहार है। नहीं, सपोर्ट करना या नहीं करना अपना अपना चॉइस है, और ये चीजें जो है ये लग्जरी है, लग्जरी है। जहाँ पे बर्फ छह महीना गिरती हो या बारिश ही नहीं होती हो, वहां आदमी क्या खेती करेगा और क्या खाएगा? फंस गए, सही बोला, बहुत अच्छी बात है। अब अपनी बात पे अड़े रहना और बात को घुमाना मत कभी, फिर रामचरितमानस मनुस्मृति पे भागो। अब भारत में कौन सी आफत आ गई, जिसे तुम संविधान निर्माता कहते हो, उसने भी तो मतलब कि मांस पे पूर्ण तरीके से रोकने लगाई, वो भी तो संविधान जलेबी की तरह गोल गोल है। भारत में खान पान की तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई क्राइम है क्या? हाँ क्राइम है, मैं तुम्हें खा जाऊं, मैं तुम्हें खा जाऊं, तुम्हारे घर को खा जाऊं, ये बताइए। कैनिबलिज्म और नॉन वेजिटेरियन में फर्क नहीं समझता, क्या पढ़े लिखे हो या नहीं हो, अंधे हो? तो मुर्गों में बकरों में कोई जान नहीं है, उनमें प्राण नहीं है? हाँ तो क्या जो प्लांट खाते है आप, उनमें जान नहीं होती? जो सीड्स खाते हो उनके बच्चे होते हो, नहीं खाते आप? बहुत अच्छी बात होली, बहुत अच्छी बात होली। मैं फल फ्रूट खाऊंगा और आप आदमी को खा जाना, मतलब मैं अपने घर का तुम्हें फल आदमी में कहाँ आ गए आप, आदमी अलाउड है क्या खाना? क्या बात कर रहे हो, कहाँ से कहाँ जा रहे हो? नहीं तो प्राण नहीं होते उनमें प्राण नहीं होते? हाँ तो प्लांट्स में नहीं होता क्या प्राण? संविधान नॉन लिविंग है क्या? प्लांट्स नॉन लिविंग है? डॉक्टर नो साहब, डॉक्टर नो साहब, इतना लंबा मत कीजिए। आदमी में प्राण, वैदिक जी मेरे से बात करिए ना, वैदिक जी। हाँ इनसे बात कर रहा हूँ, आप बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, राम नॉनवेज थे कि वेजिटेरियन थे? राम जो थे वो वेजिटेरियन थे कि नॉन वेजिटेरियन थे? रुकिए ना, राम वेजिटेरियन थे कि नॉन वेजिटेरियन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्योर वेजिटेरियन थे, मैंने आपको ये नहीं बोला। बात मैं नॉन वेजिटेरियन दिखा दूं तो? नहीं, मैं नॉन वेजिटेरियन दिखा दूं तो? अभी मैं नॉन वेजिटेरियन अभी प्रूफ कर दिया वाल्मीकि रामायण से, तो आप मानेंगे? हाँ तो आप उसे हिरन वाला लेकर भागोगे ना, मुझे तो पता है ना आपकी हरकतें क्या है। लेकिन जो मैं बात सुअर दिखाऊंगा, सुअर मैं भी आपको सुअर दिखाऊंगा, जंगली सुअर, घोड़े की घोड़े का मांस दिखाऊंगा अभी, ठीक है? आप श्री राम को फॉलो करके दिखाऊंगा, कटा हुआ ब्राह्मण भी दिखाऊंगा मैं आपको वाल्मीकि रामायण से। अब उसमें क्यों जा रहे हो? मैं आपको पहले ही बोल रहा था घूमना मत इधर उधर। अरे लो लो, अरे सुनिए सुनिए, सारे ब्राह्मण धर्मों में, ब्राह्मण ग्रंथों में नॉन वेजिटेरियन का पूरा पूरा सपोर्ट किया गया है। आप मैंने आपको अभी तक म्यूट नहीं किया, इसलिए म्यूट कर रहा हूँ कि देखिए बात यहाँ पर ये हुई थी, आप ये बोले कि राम वेजिटेरियन नहीं है, सॉरी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो वेजिटेरियन है, ठीक है? तो न्यूटन जी ने कहा कि मैं दिखाता हूँ, तो आप बोले नहीं आप हिरन वाला मत दिखाइए, तो उन्होंने कहा मैं सुअर वाला दिखाऊंगा, दूसरा दिखाऊंगा, तो बोले लो इस पे बात नहीं करो, इधर उधर मत दुछ लो। अरे क्या बात है यार, मतलब पारसमो का आपको फैक्ट देखने में डर क्यों लगता है? अगर आपको कोई दिखा रहा है तो आप इतने डर क्यों? संविधान की बात कर रहे हैं मेरे भैया। अरे संविधान की आपकी औकात ही नहीं ना संविधान पे बात करने की, मैं आपसे कर चुका हूँ, देख चुका हूँ आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, आपको मनुस्मृति में कमी नहीं दिखती, वो क्या संविधान में संविधान पर बात करेगा जो संविधान शुरुआत में आया था? अरे कूड़ा, ओ भैया कूड़ा वाले, आप जब स्टार्टिंग में आए थे ना तब आपसे आर्टिकल पूछेगा ना कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कितने, आपको वो नहीं पता थे? आप बात करने आए हो संविधान पे? अरे यार क्या बात करते हो, अब तक आपको कोई ऐसी बात बताई है जो पूछे और वो बता दिए? मैं क्यों बताऊं, आप मेरे मास्टर हो, आप मेरे जनरल वैदिक जी, एक बात मुझे बताइए, आपने बोला कि आप मनुस्मृति मानते हैं, मैं आपको मनुस्मृति से मांसाहार दिखाता हूँ अभी, आप मानेंगे उसको? चलिए मैं आपको दिखाऊंगा ना, नहीं नहीं आप मनुस्मृति को मानते हैं मतलब पूरा नहीं मानते हैं, गलत है। और आप अपने चैनल पर खुल्लम खुल्ला मांसाहार रेफरेंस आप लेके आइए ना,
मैं नहीं कर रहा हूँ भैया, मनुस्मृति कर रही है, वाल्मीकि रामायण कर रही है, दिखा रही है, राम कहाँ कर रहे हैं सपोर्ट। अब आपकी मानवता कहाँ खिसक गई ये बताइए, आपकी मानवता कहाँ खिसक गई? आप जीवों को काटने पीटने की बात कर रहे हो, खाने की बात कर रहे हो। मानवता की डेफिनेशन कहाँ से आई? आपकी मानवता की डेफिनेशन बताइए ना, कहाँ से लेके आए हैं, तब हम उससे मानवता पे बात करेंगे। हमारी मानवता में कहीं ये खान पान उल्टा सीधा नहीं है जो आप बोल रहे हो। अरे मनुस्मृति में रुकिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। रुके 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 रुके, अब मैं फोन से जुड़ा हूँ तो मैं चलिए पढ़ देता हूँ ना, क्योंकि मैं फोन से जुड़ा हूँ। चलिए ये मैं किताब खोले, मैं आपको बता रहा हूँ संविधान में क्यों नहीं बढ़ रहे तुम, संविधान में तुम्हें घुसने में क्या फताती है? रुको ना यार, आप मनुस्मृति में बात करेंगे ना, आप मनुस्मृति मानते हैं ना, आप संविधान थोड़ी ना मानते हैं। संविधान के आर्टिकल नंबर 13 सुनिए ना, संविधान के हिसाब से चल रहा है ना। चलिए भैया आप ऐसे ले, यार आपका कुत्ता तो रोक लो यार, आपसे कुत्ता तो रोकता नहीं है पारस मोगा। तो थोड़ा सा म्यूट करिए, देखिए संविधान के शायद आर्टिकल नंबर 13, 12, 13 या 14 किसी एक में लिखा है कि जब ये संविधान लागू होगा तो इसके पहले के भी जितने धर्म ग्रंथ और जितनी भी स्मृतियां है वो अपने आप ही डिस्कार्ड हो जाएंगी, वो अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएंगी, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप मनुस्मृति मानते हैं, आप संविधान तो मानते नहीं, तो हम तो मनुस्मृति में बात करेंगे ना आपसे। तो मनुस्मृति में भक्ष्यमास, ये देखिए मैं कि किताब पढ़ रहा हूँ मैं, प्राचीन ये किताब है, हिंदू हिंदू जाति का उत्थान और पतन, इसके जो राइटर हैं वो रजनीकांत शास्त्री, और पेज नंबर 114 में इसका चैप्टर आता है प्राचीन हिंदुओं का खान पान। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, मनु ने स्मृति के 5वें अध्याय में भक्षा भक्ष पदार्थों पर विचार करते हुए भाग गए न्यूटन जी। यार बेटे को डिबेट नहीं करता यार, ये गलत बात है यार, ये टुन्नियों का लेवल है यार, ये डिबेट करने आते हैं मोगा जैसे, यार ये मोगा तो बहुत ही यार छोटा सा बच्चा है यार।